तो यार हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक हो चुका है, स्वागत है हमारी अगली वीडियो में आपका। और हमारे पीछे से देखो एकदम परम मित्र परम मित्र ये आ रहे हैं। और आज हम निकल गए हैं बहुत ही लंबे टूर में। पैदल कितने दिन का रास्ता है? अरे पहुंच जाएंगे एक आधे दिन में पहुंच जाएंगे। हाँ, और खूब सारी मस्ती करेंगे, जो जो होगा वो भी दिखाएंगे और अच्छे अच्छे चीज़ें भी दिखाते रहेंगे आपको आगे को। बढ़ते हैं पहले कंटिन्यू, बिना कहे बिना बोले, नहीं तो पीछे से लाद भी पड़ते हैं। हाँ यहाँ अब निकल लेते हैं। तो यार इस रास्ते से गुजर रहे हैं और गाँव देख ही रहे हो यार। चलो अखिल के चल रहा आगे आगे, रास्ता नहीं देख रखा है, इसको बता दिया मैंने, भटक जाएंगे नहीं तो। और ललित भाई आगे निकलना होगा, हमें वीडियो शूट करना होगा। पीछे से भाई लोग आ रहे हैं आराम से, थकाई होगी अभी तो। और धारियाल भाई कैसा लगा तुम्हें यहाँ? एक हफ्ते का टूर था इनका, बहुत बढ़िया लगा यार योगेश भाई। और रवि तो आते आते रहते हैं यहाँ, इनका घर ही हुआ थे और इनको भी लाए थे हम इस बार यहाँ दिखाने। लेकिन ये जितनी दिखाओ बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है, देखो हाई टेम्परेचर में। यहाँ दिखाइए सर, ये देखो बढ़िया, एकदम एकदम ऐसा कोहरा लग रखा हुआ है, क्या बताएं, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बिना जैकेट के कहीं चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि चलें। और आगे को तो खूब सारी मस्ती करेंगे, बने रहे हमारे ब्लॉग पे। इस रास्ते से गुजर रहे हैं अभी हम, अब इसके बाद आएगी बहुत ही ज़्यादा नीचे खाई, दिखाता हूँ आपको। और चला कैसे जाएगा उसका पता नहीं, ऊपर को कैसे आएंगे वो पता नहीं। अभी कोशिश कर रहे हैं कि चले चले आराम आराम से पैदल ये। और यहाँ को दिखाता हूँ आपको, वाओ कितना अच्छा बन रखा है यार मौसम। ये देखिए गर्मी में भी बढ़िया दिख रहा है यहाँ तो। तो यार यहाँ से बढ़िया हो रखा हुआ है, देखिए अब लग गई है एकदम नीचे डाउन, ऐसे वाली डाउन, अब कैसे चला जाए उसका पता नहीं। और इतना अच्छा मौसम यार, देखिए गर्मी में भी वाओ मज़ा आ गया। भाई लोगों के साथ खूब सारा मज़ा आ रहा है एंजॉय करते हुए, आपको भी मज़ा आएगा आगे को देखते जाइए। तो यार ये देखिए ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे और आप लोगों को पता है तो आप भी बताइएगा। ये है शूट। वाओ अच्छा, चीड़ के पेड़ में होता है, चीड़ के पेड़ में, पेड़ में सालू पेड़ में, सालू पेड़ बुन्नी है ये देखिए, ये इसमें होता है। और इसके अंदर है नीरा भी? अभी कुछ नहीं है, ये खा दिए किसी ने, वाले होते हैं इसके, खा दिए किसी ने। इसमें ये पहाड़ी गरीबों का काजू होता है इसके अंदर। हाँ काजू ठहरा यार, काजू ठहरा बहुत पौष्टिक चीज होती है, उसका बीज होता है ये। वाओ ये देख लीजिए, अभी है नहीं पर थोड़ा उसको भूनना पड़ता है ना खुलने के लिए। और इसको घर नहीं ले जाते हैं, क्यों कहते हैं वो शूट बेकार है गोपचरण। तो यार ये मिल गया, ये रास्ते में भी मिल गया, पर है नहीं ना इसे, तो इसको गिरा दें ऐसे करके, ये ऐसे ही गिरेगा। पापा हो यहाँ तो टांग रड़ते रड़ते बची है थोड़ी सी, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इस रास्ते से गुजर रहे हैं अभी, थोड़ा अभी प्लेन प्लेन टाइप का आ गया ना यहाँ से जा रहे हैं, और मिट्टी बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है, थोड़ी सी भी टांग फिसलने में। ओहो ये बहुत ही गंदा, आहा कोई देखने नहीं आया तो हालात ऐसे हो गए, पेड़ ने कहा मैं ही बंद कर देता हूँ रास्ता। अब इसको नीतीश भाई हमारे नीचे को लगे लेंगे और नीचे फेंकेंगे। हाँ और यहाँ पर नीचे है मकान, पर इसमें दिख नहीं रहा है, फिर भी वहीं पे जाके दिखाते हैं आपको, बहुत ज्यादा चलना है अभी, तो इसमें से उठा लेते हैं लकड़ियाँ। तो यार लचाना शुरू हो गया, अरे ओहो आप बाबा रे, गिरा ही दिया फिर भी रास्ता साफ कर दिया, वाओ नहीं तो अब हमें ही गिराए गए, बहुत हुआ इसका तमाशा। तो यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी निकल रहा हूँ आराम आराम से नीचे, भाई लोग आ रहे हैं पीछे फोटो वोटो खींचते हुए। बहुत ही अच्छी जगह है ना यहाँ पर, वाओ बहुत ही कम मौके मिलते हैं आने के, बहुत ही पहले तो इतना काम में बिजी था ना, एक रत्ती फुर्सत नहीं थी, अब मिल रहा है फुर्सत जाने का। सोच रहा हूँ कि थोड़ा भाई लोगों के साथ घूम लेता हूँ, ये भी जा रहे हैं कल परसों, क्या बताऊँ घूमने को मिले ना मिले। यहाँ से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आजकल हमारे जाने के बावजूद भी यहाँ पर नई टंकी बनी, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा खासा पानी आ रहा है यहाँ पर, देखो क्या यहाँ पर कितने बड़े मोटे पाइप लग रखे हैं। और पानी पानी यहाँ से दिखाओ, अरे वाह यार मजा आ गया,
ये मस्त है, ये देखो ढंग से बनाया, लेकिन इन्होंने रखा नहीं, किसी ने सोचा था ऐसा होगा। बाप रे बाप रे, क्या बैठे अनोखे जला नाली निलायो। ओम सुदिम ओम हरि 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 सुदि करा ओम शांति जय शांति इंद्र की शांति। बहुत ज्यादा ही शांति हो रही है। चलते हैं नीचे को दिखाते हैं आपको और से भी बढ़ती बढ़ती बढ़िया बढ़िया व्यू। और ये देखिए वाओ यार, इसमें एक टाइम में नहाते थे ये बढ़िया। इसमें बताओ तो एक टाइम में क्या करते थे? नहाते थे ना? अरे यार क्या है हुने ये हुयो क्या यार, कैसे हालात हो गए। वाह तो यहाँ बहुत ही बड़ा घना जंगल कहीं प्रवेश कर ही लिया है। ये है खाऊ के हाल ये है। पहले तो इसमें बिल्कुल भजी लोग बिल्कुल वो करते थे, धान गेहूं है वो सब छोटा करते थे इसमें। और आगे को देख लीजिए, ओ माय गॉड, और कैसे था कुछ साल पहले और कैसे बन गया। और ये तो बंजर मकान थे, सारे बंजर ही हैं। और उधर को बढ़ रहे हैं, अभी आलिशान बंगला दिखाते हैं आपको आगे को। थोड़ा सावधानी पूर्वक कैमरा पर फोकस ना करते हुए बढ़ते हैं आगे को, क्यों सांप आम भी हो सकते हैं, खतरा है। आखिरकार प्रवेश हो ही गया है घर पे। और ये देखिए आम का पेड़, क्या बात है, लगा नहीं अभी आम। पानी का तो डंपर है यार यहाँ पंप पर, बाइक पूरा सिंचाई कर सकते हैं। ये हुआ बहुत देख गए हैं बरामदे में, अभी देखते हैं पूरा कमरा हमरा खोलते हैं, सफाई करने का भी का कुछ करना है, इसके बाद और भी आगे को बहुत कुछ है। क्या बात है, इसके बाद चढ़ते हैं हम ऊपर सीढ़ी 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 पर खड़ी खड़ी है। यहाँ पे ताला लगा रखा हुआ है। ये देखिए बढ़िया करके नीतीश भाई कुछ बोल रहे हैं, वहाँ से छत में चढ़ गए हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए आम का पेड़, अखरोट का पेड़, नींबू का पेड़, आम के पेड़, पीछे साइड सारे आम के पेड़, क्या न था यार। तो यार यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रखा हुआ है, और इस एरिया को थोड़ा सफाई चल रहा है हमारा। ओहो, ये तो बहुत ही पुराना समय का मुसौ, क्या बात है भाई। ओ भाई ये मुसौ, इससे ओहो घुरते थे वैसे टप 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 ऐसा करके। वाह, तो यार बरामदे में लगा लेते हैं झाड़ू, तो उधर को दिखा दो कितना अच्छा बना रखा है सफाई। वाह, अभी तक ना यार सफाई तो पूरी कंप्लीट हो गई है। नहीं भैया, अभी कंप्लीट तो है, चल रहा है। यहाँ पे कविता तो कुछ भी काम नहीं करती, काम चोर है। ये तो एक रत्ती नहीं काटते, एक रत्ती ने मैंने ये साफ किया ने चे तभी पे अभी पटका अभी मामा ने ना काम बताया दादा कहा तब यहाँ पे बैठी हम सेट कर दो यार, पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। पास में बच्चे रहे तो पास में देखता घंटी बजा लेते हैं। जय हो, करते हैं अंदर प्रवेश। तो यार हमारा काम हम तो फिनिश हो चुका है, इसके बाद हम लग गए हैं अगले राउंड को। और ये अगले राउंड में हम जा रहे हैं भीषण जंगल से। बाबरे बाबरे, बांजा पतल मर ले रे मैं, वो बांजा पतल वाला गाना गाओ तो। वाह, वैसे ही हो रहा है, टांग का आगाज लग जा रही, नीचे ही देखना पड़ रहा है। फाक जाने रहूंगा घिटार बाबू, और भीषण जंगल है आगे को, बढ़ते रह रहा हूँ। थोड़ी सी भी गलती नदी में खाई में। यार कंप्लीट हो चुका है अपना सारा काम, ये चारों तरफ सफाई पाई सब कुछ कर दी है। अब इसके बाद खाते हैं खाना, फिर निकलते हैं, बहुत ही ऊपर तक जाना है पैदल पैदल। तो यार ये देखिए कविता चल रही है आगे आगे, पता नहीं क्या कर रही है, बंदरों को भगा रही है क्या है? तो हो गया है अपना भी टाइम जाने का, स्लो स्लो मोशन पर लगे हुए हैं घर को। अब अरे यहीं पूरा रात हो गई, और बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना तो मन ही नहीं कर रहा था। अब तो थोड़ा थोड़ा करके पहुँच गए हैं, और थोड़ा करीब रहा है, मिलते हैं आपको आगे को। फोन भीग रहा है बारिश में।